देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांपुना आपके साथ। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और बेखौफ अपराधी लगातार लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन खास बात तो यह है कि अब अपराधी भी बेहद नाप तौल कर लूट कर रहे हैं। नाप तौलना इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब अपराधी नकली और असली जेवर जेवरात पुराने और नए कपड़े देख कर लूट रहे हैं। पुराने जितने कपड़े होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं, नकली यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की लूट नहीं करते हैं। इसका जीता जागता ताजा उदाहरण बिहार के बक्सर जिले में देखने को मिला, जहां पर अपराधियों ने ऐसी ही लूट को अंजाम दिया। 5 लाख रुपए की जेवरात लूट लिए और साथ ही साथ सारे नए कपड़े भी साथ ले गए। दरअसल बरौली थाना क्षेत्र के सियारी गांव में देर रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और खिड़की के रास्ते घर में घुसकर 5 लाख की ज्वेलरीज और नए कपड़े एवं 25,000 नगद की चोरी कर ली। वहीं सूचना पाकर पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच कर चोरों की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी में जुटी हुई है। क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से लूट हुई है, समान हम आपको अब वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो अपराधी है वो पुराने कपड़ों को आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को बीच खेत में छोड़कर चले गए। वहां पर परिजन पहुंचे हुए हैं, अपना सामान उठा रहे हैं। आप पहले विजुअल्स के माध्यम से देखें। चोरी कह के सामान खेत में छीट के आ तब ओकरा बाद में हमरा घर में गवे लो तो छत पर चढ़ुए लो तो छत पर हम चढ़ी तो चिलई तीन जना रहुए लो तब चिलई दौड़ी लगी तो मैंने उतर के भाग गवे लो तो चहटा सभी आदमी कहीं लगी तो ना पकड़ुए लो मैंने इनकर सामान इनकर जेवर आ इनकर रुपया सब चोरी भइल बटे। दूगो तलवार बा, कुदारी बा और एगो टांगी बा, सारा सामान चोर जन बा बाहर लेकर रख देता कि घर के परिवार अगर जाग जाता तो चोर को नगद आ 5 लाख का गहना चोरी हुआ है। नया जो कपड़ा था वो ले गया है, पुराना कपड़ा छोड़ दिया है। तलवार टोंगली और कुदार निकाल कर खिड़की के रास्ता के बगल में कोना पर रख दिया है कि कोई हमला न करे। दूसरे घर में चोरी यहाँ चोरी करके चला गया, दूसरे घर में जाकर बगल दो घर बगल में जाकर छत पर चढ़ा तो चिल्लाई कि चोर आ गया चोर आ गया। तो यहाँ ऊपर सोए हुए थे तो जागे तो नीचे आए तो देखे कि दरवाज़ा खुला हुआ है और ट्रंक टूटा हुआ है। तो यहाँ देखे और उसके बाद चोर चोरी करके चला गया था। तो जैसा कि आपने देखा जिले में चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। आए दिन चोर किसी न किसी घर को अपना निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। ताजा मामला उस वक्त का है जब बरौली थाना क्षेत्र के सियारी गांव में चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि सियारी गांव निवासी हीरामन सिंह के बेटे शशिभूषण सिंह के घर शनिवार की देर रात सभी परिवार खाना खाकर छत पर सो रहे थे। इसी बीच 3 की संख्या में चोरी करने शशिभूषण सिंह के घर में चोरों ने खिड़की के रास्ते प्रवेश किया। बेटी की शादी के लिए 5 लाख की ज्वेलरीज, नए कपड़े और कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज रखे हुए थे। चोरों ने मौके का फायदा उठाकर असली सोना और चांदी के गहने की चोरी कर ली। साथ ही मौके पर आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को छोड़ दिया। इस दौरान नए कपड़े भी अपने साथ ले गए जबकि पुराने कपड़े उधर उधर फेंक दिए। वहीं चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोर दूसरों के घर में पहुंचे तभी घर के जो गृह स्वामी को आहट मिली और उनकी नींद खुल गई। इसके बाद उन्होंने शोर मचाया। चोर की आवाज सुनकर मौके का फायदा उठाकर चोर भागने में सफल रहे। तभी पूरा गांव जाग गया और हर कोई अपने घर को चेक करने में लगा रहा, लेकिन शशिभूषण के घर से चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे परिवार में मायूसी छाई हुई है। तो जैसा कि आपने सुना, बेटी की शादी के लिए जो है वो जेवरात रखे गए थे, नए कपड़े रखे गए थे, वो सब कुछ चोर लेकर फरार हो गए, नकली जेवर और पुराने कपड़े छोड़ गए। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन में। नमस्कार।